मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज देहरादून स्थित एफडीए बिल्डिंग में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के कार्यकाल पर एक राज्य विश्लेषण शाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। 26 करोड़ की लागत से तैयार इस भवन से प्रदेश को काफी फायदा देखने को मिल सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त दवाएं और खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सकेंगी। रोड के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में है और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। अभी 7,000 पोस्टें हमने जो हमारी लोक सेवा आयोग से जल्द उस पर विज्ञापन जारी हो गए हैं, जल्दी ही उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे फैसले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में भी करे हैं और निकट भविष्य में भी हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ पर ये स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं, चिकित्सा सेवाएँ हैं, इन सभी पर और हमारे शिक्षा के विभाग में भी वहाँ भी जितने भी पद रिक्त हैं उन सब पर जल्दी ही हम भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को ये बधाई दे रहा हूँ कि अब उत्तराखंड राज्य में हमारा एफडीए भवन अलग बन गया है, इसका निदेशालय भी अलग हो गया है और भारत सरकार ने हमको जो 26 करोड़ रुपये दिए थे उसमें हमारे पास जो लैब के इक्विपमेंट हैं वो जो है विश्व स्तरीय है। और अब जो पहले हम लोग कोई भी लैब के लिए जब भेजते थे तो चंडीगढ़ भेजना पड़ता था, दिल्ली भेजना पड़ता था, अब सारी जो है जांचें यहीं पे हो जाएंगी। तो ये उत्तर भारत की सबसे सुंदर लैब बनी है और आज मुख्यमंत्री जी ने विधिवत इसका उद्घाटन किया है। यहाँ के पदों की फाइल, सर्जन की फाइल भी बहुत जल्दी हम उसको करने वाले हैं और एक बड़ा काम हमें कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ड्रग कंट्रोलों की कमी है तो जब तक लोक सेवा आयोग से पद नहीं भरे जाते तब तक हम प्रतिनियुक्ति पे भी लोगों को बुलाना चाह रहे हैं ताकि हर जिले में एक एक हमारा ड्रग कंट्रोलर हो जाए।